ना आयुषीपति ओडिशा फॉरेस्ट सर्विसेस रे मोर रैंक 1 अच्छी आ ओडिशा सिविल सर्विसेस रे रैंक 9 अच्छी आ रिजल्ट भला परे बहुत खुशी अच्छी प्रिपरेशन पाई कलिंग आयस तो मुझे कहबी कि मोर फैमिली भाया सब प्रिलिम्स हो मेन्स हो इंटरव्यू हो सब स्टेप रे दीपक सर बहुत बहुत साहय कर सरकर विजन आज आम जी समस्ते क्वालिफाई कर सरकर विजन तर ड्रीम आर एफर्ट्स आम उपर जो लक्ष्य था कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो झील पिला हो जो मैंने एफोर्ड कर पार ना जहाँ पाखे रिसोर्सेस कमी जहाँ पाखे गाइडेंस नहीं सब गोटे दिशा दबा आउ आम समस्त सक्सेस रे नाउ वी कैन गो टू आवर गोल्डन गर्ल ओके आयुषी पति वन सेकंड इट्स ना तो समस्त जानी थी चिन्ह थी ओके सो वन सेकंड आयुषी कंग्रेचुलेसन ओएफएस रैंक वन एंड हमें ऑलरेडी डिस्कशन करूथिले जे जे ओसीएस रो कौन हो ओसीएस रो रिजल्ट ऑलरेडी बाहरी जाई छे ओके वन सेकंड विदिन टॉप 10 तो सबुले मु सबुले भाबे जे कि आयुषी माने मैं भरोसा सब जो थाए जे तम उपरे मु सबुले कॉन्फिडेंट थाए कि आयुषी निश्चिंत किछ गोटे करिवे आउ एवरी टाइम मु जेतले एक्सपेक्ट करे आउ सबुले मो एक्सपेक्टेशन केबे भी भूल जाए ओके आयुषी कौन कहिबो तमे पुनी माने तम माने लास्ट टाइम भी कहितलो यु हैव नॉट एड्रेस माने हम सब पिलन को किछ ठीक रे एड्रेस करन ओके सो दिस इज द टाइम कि गोटे प्रॉपर जेहेतु नाउ द टाइम इज यू आर द होल ओडिशा इज लिसनिंग टू यू So now you are not a simply Ayushipati, you are OS Ayushipati and also FS rank 1 Ayushipati. So your word will be count. So what will be your words to the whole Orissa students who are preparing for civil service and like this exam? Jo manako pakhare je bharosa pauni ki without coaching re ki without are kichi kari hobo. तो कौन से मानू तुम्हें कह सो यू लिसन फ्रॉम आयुषी इटसेल्फ ओके गोटे इंस्पिरेशनल स्टोरी कह आयुषी आयुषी जन झी जी कि घरे सब कम करती ग्रांड फादर पूरा टेक केयर घरे कही ना सी पूरा ग्रांड फादर जो टेक केयर करी पाठ पढ़ती राति तीन टा नहीं चार नहीं सब पाठ पढ़ती स्ट्रगल आम देखी पिलांकर ओके राति तीन टे आयुषी कह सर आर आंसर कौन हम तो से भाया मैंने डेडिकेशन मुझे राति तीन टे तुम कौन क्वेश्चन बचाऊ कि राति तीन टे तुम कौन मैंने से भाया राति में शुअं से भाया पिला मैंने देखीचु आम जाइ फिल करके स्ट्रगल पचरे प्रति जो अचीवमेंट आज देखु इट इज नॉट ए अचीवमेंट तो ता पचरे गोटे बर्निंग स्टोरी गोटे अच्छी गोटे स्ट्रगल कहानी अच्छी मे बी नॉट ऑफ पीपल जान ओके तुमको जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए घर रेस्पॉन्सिबिलिटी ता बाद पाठ पढ़ापे ना आम कह एक्सक्यूज दवा ना घर आम कम कर आयुषी जे क्लासिक एग्जांपल जे कि पूरा दिन एकुडिया जने ग्रांड फादर पूरा टेक केयर खाइबा पीबा सब बनई निज खाइबा पीबा बनई पाठ पढ़ की ओएफएस रैंक 1 एंड ओसीएस रैंक 9 इट इज जे माने मु कहबी जे सी इज द गोल्डन गर्ल एक्चुअली सर अपन पर ए पॉइंट रे गोटे जिंस एडिशन देबा सर जेंति सर लास्ट टाइम अपन गल्ला परे तांकर जे केयर टेकर जाकु घर जे बुझंती जे जो घर काम दे करंती सिया से कहले सार दीदी को कहतु शोबे रात छत मस रात शो ना मतलब रात हार्डली आयुषी स्लीपिंग टाइम 1 आवर कि 2 आवर हार्डली सो सार भी कहले खाया पिया दि जमीक प्रपरली इंटरव्यू दे पारे सो एराउंड जो कह आयुषी को पढ़ा पढ़ी 22 आवर्स कि 20 आवर्स तो कह आयुषी जी कि सर आपन को प्राक्टिकाली लास्ट इयर एराउंड 20 essay रिव्यू कर सब जाक GST देते सर एंटर की फीडबैक जो टाइम रे नीडी रही कंसल्ट भी करथिले सो इट्स या आई सी आई एवरी टाइम व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग यू आर गेटिंग इमोशनल आई एवरी टाइम आई एम लिविंग सो लिविंग यू दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू बिकॉज़ द होल पीपल ऑफ ओरिसा स्टूडेंट्स ऑफ ओरिसा इज लिसनिंग टू यू सो व्हाट इज माने तमरो कोन सजेशन रहइबो तमरो कोन माने गुडे जो डायरेक्शन रहइबो पिला मानो पई जो मैंने कि ए सिविल सर्विस पे प्रिपेयर कर चुकी यस आईसी आई थिंक तुम्हारा म्यूट है अच्छा आईसी म्यूट है म्यूट है सर इंट्रोडक्शन रो मु सेति की लाइक नो हो बट
ଆପଣ ଏତେ କିଛି କହିଦେଲେ, ଚିରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଏତେ କିଛି କହିଦେଲେ, ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟା ଥିଲା, ଆଉ କେବେ ସେଇ ମୋଟିଭରେ ଜଏନ୍ ହିଁ କରିନଥିଲି କି ଏଟା ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ପାଇବି କି କଣ, ମାନେ ସେଇ ମୋଟିଭ ହିଁ କେବେ ନଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଙ୍କଜ ଯିଏ ଆମେ ଆମେ ଜଣ ମିଶିକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଜେନୁଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ରୁ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରୁ, ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଚିରଞ୍ଜିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସଙ୍ଗୀତା ସହିତ, ତ ଏମାନେ ଏମାନେ ମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଖାଲି ପାଠପଢାକୁ ନେଇକି ନୁହଁ, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଲାଇକ ତ ଏମାନେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲୁ, ମିଶିକି ପଢିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ନଲେଜ ବେସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ। ତ ହଉ 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 ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ମୋର ଓଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ତ ମା ମତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିକି, ସାର ମୋର ଓଡିଆ ହବନି, ଆଉ କେତେ ଲେଖିକି ପଠେଇଛି ସାର ଚେକ କରିଦେବେ। ଚିରଞ୍ଜିତ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଏସେ ସବୁଦିନ ବସିକି ଲେଖେ, ଆଉ ଭାଇ କହନ୍ତି ଏଟା ଲେଖେ, ସେଟା ଲେଖେ, ସେଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏଟା ଲେଖିଦିଅ, ଏଟା ଲେଖିଦିଅ। ତ ତାପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି, ରାଇଟିଂ ଦେଲି, ତ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିବି, ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ କି ଦୀପକ ସାର କି ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୋର ସବୁ ସକ୍ସେସ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ଆପଣ ତାଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ସେଇଟା ମତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦିଏ କି ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଲୋକ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ରାଙ୍କ ମ୍ୟାଟର କରେନି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଯେତିକି ଭରସା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ତାଠୁ ବେଶି ଭରସା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶାଟାକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସାର। ଆୟୁଷୀ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ୱେଦର ୱିଦାଉଟ ଏନି ଲାଇକ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଯଦି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ କେସ୍ ବି ମୁଁ କହିବି, ଓକେ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ କୋଉଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲେମ୍ କି କେହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିକି ନିଜେ ପଢିକି ନିଜେ ସବୁ କରିକି ସିଙ୍ଗିଲ ମ୍ୟାନଲି ସେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ୱିଦାଉଟ କୋଚିଂରେ ହେଇପାରିବ କି ଏକ୍ଜାମ୍, ତମେ କଣ କହିବ, ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ୱିଦାଉଟ କୋଚିଂ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଘରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ୱେଦର ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍? ସାର କୋଚିଂ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦରକାର ପଡ଼େନି କେବେ ବି। ହଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ପଡିବ, ବିକଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ କରିଦେଇଥିବ କି ମତେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ବର୍ନିଂ ଡିଜାୟାରଟା ପିଲା ଭିତରେ ଥିବ, ବଟ୍ ସେ ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦରକାର। ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମର ଆମର ଗ୍ରୁପ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହଉ କି ଜଣେ ପର୍ସନ ହଉ, ହୁଅନ୍ତୁ XYZ whoever, ତ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଦରକାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢିପାରେ, ମୋର ଏବିଲିଟି ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର, ମୁଁ ବହୁତ ପଢିପାରେ, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ପଢିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଯାହା ପାରିଲେ ତାହା ପଢେ, ମାନେ ବହିର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ 15ଟା ଚାପ୍ଟର ପଢିବି ପୁରା, ମାନେ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସୁନଥିଲା କି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ 14ଟା ଚାପ୍ଟର ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କୋର୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ସ୍କାଇ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସିଲାବସ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ୱି ନିଡ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବ କି ନା ଏଇଠୁ ଏତିକି ପଢ, ଏଇଠୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏତିକି ଖାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଚିଂ ମେଟେରିଆଲ ଏସବୁ କିଛି ବି ମ୍ୟାଟର କରେନି। କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବେ କି ରାଇଟିଂ ମିନ୍ସ ଇଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ, ସେଟା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବ୍ରଶ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ପୁରା କରିହବନି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲାର ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପିଲା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି ଆନ୍ସର
निजर माइंड टा को क्वेश्चन पेपर माने आंसर पेपर रिफ्लेक्ट करिबाटा ही इज अ डील चैलेंज तो एटा जो पिला करि परिबो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतरा कोन करि परिबो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतरा किछ करि बनी यस कोचिंग हमें जॉइन को गोटे गाइडेंस पई आ से गाइडेंस जदी हमको जोठे भी मिलिबो तो सेटा सेतरे कोचिंग इंस्टीट्यूट रा किछ आवश्यकता ही नाही सो यू सी एटी पिलांकर भी किछ क्वेश्चंस थिला सर कलेक्शन करथिले जिंती की कोविड टाइम थिला सब इंस्टीट्यूट बंद हो सकला स्कोप मिल नथिला कि जिंती गोटे जनरलाइज कर कि पढ़ा को प्रिपरेशन को बैलेंस करी हबो सेमती रे तमे जो वीएसटी सारंग पाखरे जीएस देथिलो कि एंटा जो प्रैक्टिस करथिलो एसए हला कि इंग्लिश ओडिया रे सारंग जो मेंटरशिप थिला रियली तमको केते कि बेनिफिट देथिला आ सेथिरु केमती प्रोसेस टा बहुत बड़ा हे पडथिला ता बेसरे किछि तमर व्यू कोन रहबो ताई बेनिफिट देथिला तो तारो लिविंग एग्जांपल तो मु एठी अछि बेनिफिट देथिला को को लेवल पंत देथिला बिकॉज़ फॉरेस्ट सर्विसेज हो सिविल सर्विसेज हो सब मोर फर्स्ट अटेम्प्ट मु किछि मंझा हुआ खिलाड़ी नु हो कि दिचार थर मेंस देइनी कि मु जानि नथिलि बि कि पेपर केमति पड़े माने कि पेपर केमिति क्वालिटी रो भी इवन मु एटा भी सर को पछर छि कि सर पेपर केमति क्वालिटी रो को कलम रे लेखिले पछ पट को आंसर चिपकी बनी काहे कि से मान तो संगे संगे खाता देखिबे नि से मान तो बिनि मु दिचारि मा सात पर देखिबे तो को कलम रे लेखिले ठीक हबो जेमति पछ को पेपर चिपकी बनी केबे केबे निजे बसि कि भाबे एते सिली क्वेश्चन सर को पछर छि सर को कोन भाबुतु हे मो बिषय रे सर पेशेंटली हैंडल करंती आपन को भी केते थरो पचार छे भाई 10 मार्क क्वेश्चन 6 पॉइंट लिखले चलिबो ना आउ टिके 2 पॉइंट लिखि देले कोनटा हबो तो टाइम हबो हबनी तो से सब जिंस बहुत एनालाइज करिया को मिलिची आउ बहुत किछि जिंस सिखिबा को मिलिची अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी बहुत जिंस सिखिया को मिलिची जोटा निजरो पर्सनल ग्रोथ पई पर्सनल डेवलपमेंट पई बहुत दरकार आ एटा गोटे एमती प्लेटफॉर्म जोटी की एत्ते लोक मु एग्जांपल देबे संगीता संगीता मोर ए ए ए कलिंगा एस थ्रू चिन्ह हला तापरे से एबे मोर भौणी परे मु जदी का कहिबी मोर दुख सुख कथा सेटा होची सी तो पाठ छाडंतु ए सब मो पई पाठ तो इम्पोर्टेंट बाकी मो गोटे बहुत इमोशनल लोक तो मते एमती लोक बहुत दरकार पड़ंते जे मते टिके इमोशनली स्टेबल करि परथबो तो से ग्रुप टा को मु केबे केबे गोटे पाठ पढ़ा ये सी ताकु नहीं कि केबे ही कंसीडर करिनी ए ग्रुप टा मो पई निजो फैमिली भलिया तो जेमती मोर सक्सेस रे समस्ते खुशी होउछंती एटा ही मो पई सबटु बहुत बड़ा कथा Great, really proud of you, IOC. किछे थिला जे किछे दिन पर किछे दिन पूर्व रो तमे कहतला कि सर कोन ओएस रहबो बोले मु कहली डेफिनेटली हम देखो टॉप 10 भीतर आसीबो आ क्लास 1 ऑफिसर हबो यू प्रूव वन्स अगेन ओके सो थैंक यू कांग्रेचुलेशन ओके एंड मु विश करू छी कि दिस इज नॉट द नॉट योर डेस्टिनेशन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू ओके ओके सो विल प्लान दैट वन ओके Thank you. Are you seen? Thank you.
यू सो मच आउ माने आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स माने मु बुझि पारनी आपन को केम थैंक यू कहबी बिकॉज मु बहुत माने बहुत जीरो रु स्टार्ट करथिली जेतेबेले मु ग्रुप जॉइन करथिली सेतेबेले मत मन अछि हमें ग्रुप रे खाली 16 टा पिला थिलु बोधे तो सेतेबेले जानि नथिली कि एते बड़ ग्रुप हे जीव आउ पढ़ु पढ़ु सिखु सिखु एते दूर को पहुँचे बु बोली केबे भाबि नथिली आउ तापरे जस्ट जॉइन करबा किछि दिन परे ही मोर ओएफएस रो रिटर्न थिला तो मु ओएफएस टा बहुत माने बहुत जल्दी परीक्षा देछि माने सिलेबस पूरा जेमिति ओपीसी रो सिलेबस ओएफएस रो सिलेबस के समान तो सेम सिलेबस को बहुत कम टाइम रे मते कवर करया थिला तो मते बहुत माने ऑप्शनल्स हो कि फिर फॉरेस्ट्री पूरा नया ऑप्शनल हो पाए तो फॉरेस्ट्री पाए पूरा मते पूरा आरंभ रु स्टार्ट करया पड़ला आउ जीएस पाए भी पूरा आरंभ रु पढ़िया पड़ला तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थिला बहुत सेतेबेले हमर कलिंग ग्रुप रे आमे जेमिति एबे रिगरसली आमे पढ़ुचू जते रिगरसली नोट मेकिंग करुचू क्लास होची सेतेबेले से ऑप्शन टा सेतेबेले नथिला काहेकि एई कथा एटा होची अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबर 2019 कथा कहुची सेतेबेले एते नथिला आउ तो सेतेबेले सेतेबेले डिफिकल्टी हेला त मतलब जदि एई एबे जो अपॉर्चुनिटी टा मिलचे सेतेबेले मिलले त मु पूरा चिल मारी कि परीक्षा देथानी त सेटा हे नथिला आ तो सेतिपाई टिके अप्रेंसिव थिली रिटर्न को नेकि फेर 2 वर्ष पळै थिला मते मन पडु नथिला कि मु कोन परीक्षा रे लेखि छी मेसेज करथिला कि आ तो सेतिपाई मोर हमरा एप्लीकेशन माने फॉर्म हजि जे तमे कहले मु कोन पके मु एप्लीकेशन फॉर्म ही मिलु मते एप्लीकेशन फॉर्म से मोर लैपटॉप क्रैश हे गेला 2 वर्ष कोछ 2 वर्ष भीतर केते कोन हे गेला तो ता भीतर मते भूली भी जाई थिली गोटे हां फॉरेस्ट्री सर्विसेज गोटे परीक्षा देई थिली आउ सडनली जेते बेले एप्रिल मास रे रिजल्ट बाहरला हम कहिल हां मार्जिन रे पास ही जाई थी काहे कि लागु नथिला केबे कि भलो मार्क मिलथिबो कि जनरल स्टडीज रे लेखबी कि एसे पेपर लेखिथिबी त जानि पार नथिली तापरे तापरे जेते बेले हेला रिटेन ता तापरे मु भाबली कि नाही हेछि त टिके ना फिजिकल पे ट्राई करे त फिजिकल टेस्ट पई टिके प्रैक्टिस करा पडथुला बिकॉज 16 किलोमीटर चलिबा को पड़े एंड्योरेंस टेस्ट आबा को पड़े तापरे तो इंटरव्यू पई तो आपण थिले आउ तापरे जितले ग्रुप बढ़िला सेतबेले तो रेगुलरली हमें ओसीएस पई भी बहुत ट्राई करचू हमरो मॉक टेस्ट हला हमर राइटिंग सीरीज हला आउ जहां भी मटेरियल हला डेली डेली रो काम थिला कि किछ ना किछ तो लिखिवार अछि तो सेति पई आ आपन को कंट्रीब्यूशन का सहित पंकज मोर संग जे मते इंट्रोड्यूस करैथिला एई प्लेटफार्म को ता पखरे मु बहुत थैंकफुल आउ चिरंजीत भाई आउ तापरे आउ जति कि संग माने एई ग्रुप थ्रू रु जति जन सहित हमें कनेक्शन रे आसीचू आउ समस्तंक पाखरे मु आई एम वेरी ग्रेटफुल आउ आई एम एक्सट्रीमली कोन कहबी बहुत बहुत भलो फील होछि कि हमर गोटे एते भलो ग्रुप अछि आउ आगु को भी ओसीएस हो ओएफएस हो जहां भी होछि हो आउ हमर ग्रुप रु भी बहुत पिला पाइबे बिकॉज गोटे एते भलो गाइडेंस माने परिश्रम करबा को लोक अछन्ति लाइक मु भी कहबे कि मु बहुत हार्ड वर्किंग आई एग्री बट गोटे से एनर्जी टा को चैनलाइज करबा को गोटे दरकार जणे तो मु तो गोटे बोराशी स्टीडर मु सब पढ़ी पकोतली मु जानि नथली कि मु गोटे न पढ़िबी तो सेति पे गोटे गाइडेंस बहुत दरकार जोटा कि एठी मिलिबो आ आपण सर सब पिलन को पर्सनली एते केयर आ एते अंडरस्टैंडिंग रे आपण काम करचले करथले सब पिलन को पई तो हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस एंड आपण से किछि कहि पारि नै सर एक्चुअली आई सी एक्चुअली गोटे इंसिडेंट में कहि जो ना तमरो फॉरेस्ट एग्जाम था पेपर 1 और पेपर 2 थला तम गला ना सर आउ ना सर आउ किछ अबनी छड़ गो हम परीक्षा दे किछ लाभ न हम तो कहली जे कोन कहितली तमको जे तुम्हारा टोटल ओपीएस इवन इफ मु सब पिला कहूँ ओपीएस इज ओवरअली तुम्हारा गोटे सब्जेक्ट जो खराब हो डोंट वरी
इट इज ओवरऑल तुम अच्छी ए बहुत गुड़े फैक्टर अच्छे इंटरव्यू मार्क तुम बहुत तुम मानते मैटर करुच जनरल स्टडीज तुम जब बेटर करुच इवन गोटे पेपर खराब हो गले भी यू कैन मेकअप विथ अदर पेपर अल्सो डोंट वरी कि मोर गोटे पेपर खराब हो गला तो एमती किसी हो सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग ओके तो थैंक यू आई सी एंड कंग्रेचुलेसन तो तुम प्रिपेयर कर भलसे ओसीएस ओके सो बेस्ट फॉर योर ओसीएस I hope ki I will expect similar result in the OCS also. Okay? Thank you, sir. Thank you.